जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। दोस्तों अंश स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 27 अप्रैल, दोस्तों ये जो हमारी सीरीज चल रही है डेली 600 क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स करा रहा हूँ, इसका यह पार्ट आपका 27 है। अगर बात की जाए 27 पार्ट की, तो आपके लगभग मैं 270+ सिनोनिम्स करा चुका हूँ। अगर टोटल वर्ड्स की बात की जाए, तो हमारे 600+ से ज़्यादा वर्ड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लास्ट पार्ट भी जाकर देख सकते हैं, 26 पार्ट में आपको करा चुका हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा सभी पार्ट के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, ज़्यादा बात ना करते हुए सिनोनिम्स। मैं आपको डेली सुबह मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो लेके आता हूँ। अभी एक या दो दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था आपका। बट अब डेली वीडियो आएगी आपकी, आपको डेली कंटिन्यू वीडियो देखनी है, ठीक है। अगर आपके जैसे किसी दिन मिस हो जाती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को जो आपको आपने लास्ट डे देखा था, उसे रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, क्योंकि सिनोनिम्स इतने ईजी नहीं होते। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, उनके सिनोनिम्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपकी जो है इंग्लिश इंप्रूव कर पाएगी, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा हस्टल, HUSTLE। हस्टल का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोई भी एक्टिविटी होना, हरी बहुत तेज़ी से होना, या फिर किसी को क्या कर देना, पुश कर देना। देखो बच्चों, एक्टिविटी और पुश दोनों सेम ही हैं, क्योंकि किसी को पुश करके क्या होता है, वो पुश करना, वो भी एक किस तरह की क्या है, वो एक्टिविटी है। वो रॉन्ग वे में भी हो सकती है, वो पॉजिटिव में भी हो सकती है। अगर हमें किसी की जान बचाने के लिए पुश करना पड़े, तो वो गुड वे में हो जाएगा। अगर किसी की जान लेने के लिए पुश करना पड़े, तो वो रॉन्ग वे में हो जाएगा। तो हस्टल का मतलब समझ में आया आपको? पुश, हरी तेज़ी से करना किसी को, टू पुश और मूव समबडी इन अ वे दैट इज़ नॉट जेंटल। वैसे पुश करना अधिकतर जो है रॉन्ग वे में ही बोला जाता है, लेकिन एक वर्ड ये भी होता है गुड हस्टल, तो वो भी एक फ्रेज है गुड हस्टल, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, वो पॉजिटिव वे में होगा। तो इसलिए मैंने आपको दोनों वेज बताए कि पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और निगेटिव वे में भी, ठीक है। समझ में आया आपको वर्ड हस्टल, HUSTLE, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। अगला वर्ड है हमारा हाइपोक्रेसी, HYPOCRISY। हाइपोक्रेसी का अर्थ क्या होता है बच्चों? इल्यूजन, ट्रिकरी या फिर डिसेप्शन। इल्यूजन आप समझते हैं किसी चीज़ को सोचना, माइंड में इल्यूज करना, ठीक है। ट्रिकरी किसी चीज़ को ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेना, डिसेप्शन। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, ये सारे इसके सिनोनिम्स थे। जिम हाइपोक्रेसी मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिम। किसी की हाइपोक्रेसी क्या करती है, किसी व्यक्ति को किसी पर ट्रस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है, कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाता उस व्यक्ति को। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, तो नेक्स्ट टाइम उस पर क्या होता है, उस पर ट्रस्ट करना बंद हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति क्या होता है, मैजिक जानता है, जादू टोना जानता है, इस टाइप में हाइपोक्रेसी, जादू टोना कुछ करना जानता है, तो लोग क्या करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि क्या पता ये क्या कर दे, ठीक है। तो जिम की जो हाइपोक्रेसी है, उसने क्या कर दिया, डिफिकल्टीज पैदा कर दी है उस पर क्या करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। सिंस ही ऑफन से टू वन थिंग्स एंड अनदर थिंग, चाहे वो कुछ ये कहे, चाहे वो कहे, लेकिन लोग क्या करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ सच भी बोल रहा है। आपने बचपन में भेड़िए वाली कहानी भी सुनी होगी, गडरिए की, कि वो इतने बार झूठ बोल देता है कि वो दोबारा जब सच भी बोलता है, तब भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसी के मन में भी अपनी हाइपोक्रेसी, अपने जो है विचार इस तरीके से शो ना करें कि जब आपको जरूरत पड़े, तो तब भी लोग आप पे विश्वास ना करें। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिकरी या कुछ भी चीज़ इस तरीके से, जादू टोना टाइप में जो भी है, आप क्या होना चाहिए, उसका मतलब क्या है, हाइपोक्रेसी, किसी को इस तरीके से कर देना कि वो आप पे विश्वास ना कर पाए, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका, गॉडी, GAUDY, GAUDY। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, गैरिश, टॉडी या फिर ग्लिटरिंग, यानी कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा चमकना, बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होना, क्या कहलाता है, गॉडी। वेरी ब्राइट और डेकोरेटेड, बहुत ज़्यादा सजा हुआ होना, क्या कहलाता है, गॉडी, याद रखिएगा, GAUDY, गॉडी, ठीक है। अगला बट देखिए आपका क्या है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है, इसमें आप 10 वर्ड डेली अगर आप करना चाहेंगे, देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा, लॉकडाउन में आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, आप इतने अच्छी ग्रामर कर लेंगे, इतनी अच्छी आपकी वोकेबलरी हो जाएगी। आप डेली मॉर्निंग में सुबह इसको वीडियो को देखिए, अच्छे से लर्न कीजिए और कॉपी में वर्क कीजिए, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला वर्ड है आपका इंटीमेडिएट, INTIMIDAT,
इंटीमिडेट, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को अपने बल से दबाना, फ्राइटन करना, किसी को डिटेक्टेट करना, या उसको क्या कर देना, होपलेस कर देना, उसको ऐसा लगे कि मैं अब बच ही नहीं पाऊंगा, इस तरीके उसको क्या कर देना, फियरफुल कर देना, उसको डरा देना, क्या कहलाता है इंटीमिडेट। टू फ्राइटन और थ्रेटन समबडी, किसी को क्या कर देना, फ्राइटन कर देना, थ्रेटन कर देना, ठीक है, किसी चीज़ के द्वारा, तो क्या कहलाता है बच्चों इंटीमिडिएट, ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, अगला वर्ड है आपका गैलेंट, GALLANT। गैलेंट का अर्थ क्या होता है बच्चों, हेरोइक, इंटरप्रिट, वेलोरियस, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो शो करे कि आप एक हीरो हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप एक सोल्जर हैं, इस तरीके से क्या कहलाता है वो, गैलेंट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, द गैलेंट सोल्जर, देखिए सोल्जर से पहले ही यूज़ किया गया, द गैलेंट सोल्जर लॉस्ट देयर लीव्स, अपनी जान, जो अपना जीवन है, सो दैट पीस माइट रीजन अगेन, जिससे कि क्या हो, एक जो सोल्जर होता है बॉर्डर पर क्या हुआ, अपनी जो जान को गंवा देता है, लेकिन किस लिए गंवाता है वो जान, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी जैसे युद्ध होता है, जहाँ अगर एग्जांपल लो पाकिस्तान से ही लड़ाई चल रही है, नॉर्मली फायरिंग भी चल रही है, उसे पता है कि अगर मैं इनसे लड़ूंगा, अगर मेरी जान जाएगी तो उससे क्या होगा, देश में शांति आएगी, मतलब अपनी मृत्यु देने के बाद भी वो देश को शांति ही चाहता है, तो बच्चों को क्या कहलाता है, गैलेंट कहलाता है, एक हीरोइक पर्सन कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आपका फेसाइल, FACIL। इसका अर्थ क्या होता है, क्या होना, नम्र स्वभाव का होना, स्किलफुल होना, इंटेलिजेंट होना, ठीक है, डेक्सटोरियस, स्किलफुल, एडजेक्टिव, नम्र स्वभाव या चतुर या फिर किसी चीज़ में निपुण होना, क्या कहलाता है, फैसाइल कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोग स्टडी करेंगे, अच्छा रहेगा, होम सभी लोग घर पे हैं, टाइम भी है आपके पास, तो डेली स्टडी भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए अगला वर्ड क्या है, फेबल, FEBLE, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, स्पीकिंग में भी यूज़ होता है, फेबल का अर्थ क्या होता है, वीक, फ्रेल, डिफेंसलेस, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, बिल्कुल भी डिफेंस ना होना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई चीज़ कांच की है तो वो क्या है, एक फ्रेगाइल थिंग है, यानी कि आप देखिए इसका मीनिंग क्या है, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल थिंग का क्या अर्थ है कि कोई भी चीज़ ऐसी होनी बहुत ज़्यादा नाजुक होना, उसका अगर उसको हल्की सी भी कुछ पुश हो तो क्या हो, वो टूट जाए, तो क्या कहलाता है, फेबल कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, अगला वर्ड है आपका इवेजन, EVASION। इवेजन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, नेग्लेक्ट करना, किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, क्या कहलाता है, इवेजन कहलाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ब्लॉक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद टैक्स हेवंस टू स्टॉप टैक्स इवेजन, यानी कि उसको क्या करना, नेग्लेक्ट करना, आपने देखा होगा हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो हमारे मतलब के ही नहीं है, ठीक है। तो उसे क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एवेसन कर देते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना या फिर कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को जनरेट करना, बनाना, फैब्रिकेट करना, फैब्रिकेट करना क्या कहलाता है, बिल्ड कहलाता है या फिर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, यह आज आपका लास्ट वर्ड है, अगर आपको सारे क्वेश्चन, आप एक चीज़ और कीजिएगा, आप एनालिसिस कीजिए अपने आप को, ये 10 वर्ड मैंने कराए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमने 10 वर्ड में से मुझे पहले से ही इतने वर्ड्स पता थे, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको इतने वर्ड्स पता थे, तो उसे आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलेगा कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी अच्छी चल रही है, कितना आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला वर्ड है आपका एड्रॉइट, एड्रॉइट का अर्थ क्या है, प्रोफिशिएंट या फिर किसी चीज़ में क्या होना, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट दोनों सिनोनिम्स है, तो एड्रॉइट का अर्थ क्या होता है, स्किलफुल होना या फिर क्लेवर होना, क्या कहलाता है बच्चों, एड्रॉइट कहलाता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना एड्रॉइट कहलाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए हैं, आपने वीडियो को पूरा देखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।